हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रिद्धि इस लेक्चर में हम लोग पी एस आई यूनिट सेवन डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेवन इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पावर इसमें अलग अलग कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें से एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लेजिटमेसी ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ चुके हैं दो हज़ार चौदह में क्वेश्चन आया था दो हज़ार इक्कीस में आया था दो हज़ार पंद्रह में बारह में तो आप देख सकते हो कि रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ लेजिटेमेसी से पूछे गए हैं इस वजह से टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है का ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो रेपिटेटिव नेचर के होते हैं जैसे कंसेप्ट ऑफ लेजिटेमेसी से आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स आए हैं कौन से सालों में आए हैं तो अभी 2021 में आए 2022 में भी आने के चांसेस है रिपीटेडली आए हैं चौदह में आया पंद्रह में आया बारह में आया ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए करके जाना काफ़ी ज़रूरी है और ये सारे ही क्वेश्चन इनके मॉडल आंसर्स पर बेस्ड है ये पूरा कोर्स तो ये क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स भी रहेंगे इसमें साथ ही साथ जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस का पार्ट है क्योंकि सिलेबस में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो कभी ना कभी पूछी जा सकती हैं इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं तो वो सारी चीज़ें तो करके जाने ही हैं पर उससे पहले अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो आप करके ही जाओ क्योंकि ज़्यादातर वही रिपीट हो रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी इनको रखना है आपको ठीक है तो जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एग्जामिन द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़ फिर टूल्स ऑफ लेजिटिमेशन पूछा गया स्टेट के ये तो 2021 में ही पूछा अभी उसके बाद क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी पूछा गया कैपिटल सोसाइटीज़ में फिर कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी हैजमनी के बीच का डिफरेंस पूछा गया है तो लेजिटिमेसी पे ये सारे क्वेश्चंस आए हैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली जो भी सिलेबस में है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी ऑल्सो दिस आर वेबसाइट्स इन ऑप्शाइज डॉट इन यहाँ पर आप ऑप्शन में जाओगे पी एस आई आर ऑप्शन का कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो जो भी डिटेल आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगी एक चीज़ और है देखो यहाँ पर आपको ये पी एस आई 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 आर ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट मिल जाएगी ये आप डाउनलोड कर लेना इसमें क्या है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीअरेंज किया इससे आपको वेटेज भी पता लग जाएगी कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है ठीक है वो आपको पता लग जाएगा किस में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप थोड़ा सा एंड के लिए रख सकते हो जो जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं ऑल मैं हर लेक्चर के साथ आपको ये बता देती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है या एंड के लिए रख लेना इसको तो वो साथ ही साथ मैं बताती रहती हूँ बट स्टिल अब यहाँ से ये फ्री मटेरियल है यहाँ से डाउनलोड करना आप एक बार चेक करना जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है दो चीज़ों का ध्यान रखना जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या आप यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दोनों चीज़ों पर चलोगे हो जाएगा ठीक है बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएंगी नाउ व्हाट इज़ लेजिटिमेसी तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लेजिटिमेसी होती क्या है तो आपकी पावर और अथॉरिटी ये सब चीज़ें जो हैं वो काम में तभी आती हैं जब कोई भी चीज़ लेजिटिमेट हो जाती है जब तक पावर लेजिटिमेट नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर अथॉरिटी आपकी लेजिटिमेट नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो लेजिटिमेसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए तो लेजिटिमेसी यहाँ पर जो थोरेटिकल फॉर्म में अगर आप पढ़ते हो तो वो एक राइट है एक्सेप्टेंस है एक, एक अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी क्या है बेसिकली अगर मान लो कि कोई पर्सन एक पोजीशन पर बैठा हुआ है उसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया एक पोजीशन उसको मिल गई अगर आप आई भी बन जाते हो तो आपके पास एक अथॉरिटी आती है वो अथॉरिटी इस पोजीशन के साथ अटैचड होती है बट उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट कोई क्यों करेगा पब्लिक आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट क्यों करेगी क्यों क्योंकि आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट मानी गई है लेजिटिमेट मानी गई है तो लेजिटिमेसी क्या है कि अगर आपकी अथॉरिटी को राइट right मिल गया एक्सेप्टेंस मिल गई उसको लेजिटिमेसी कहा जाता है ठीक है यूजली इसमें होता है जो भी गवर्निंग लॉ होता है रिजीम होता है उसमें ये चीज़ कही जाती है जैसे यू हो गया देन आपके पॉलिटिकल सिस्टम हो गया उन सब चीज़ों में आपकी लेजिटिमेसी अटैच्ड होती है अब जबकि अथॉरिटी जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन को डिटरमाइन करती है जो भी इस्टेबलिश गवर्नमेंट में है ये वही सेम चीज़ बताई हुई है जो मैंने आपको अभी बताया तो ये जो टर्म है लेजिटिमेसी ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करती है डिनोट करती है जहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब होता है स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस अब पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एक बेसिक कंडीशन मानी जाती है किसी भी चीज़ को गवर्न करने की जिसके बिना कोई भी गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेटिव डेडलॉक सफ़र करेगी कोलैप्स कर जाएगी तो चल नहीं सकती जब तक कोई भी गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं मानी जाती पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ तो कोई भी पर्सन आ जाएगा वो तो कहेगा भैया मैं लीडर हूँ मैं अच्छे से गवर्न कर लूँगा तो मुझे आप आ, आ, वोट दो है ना तो कोई भी आके ऐसे गवर्न करने लगेगा पर ऐसा हो नहीं सकता क्यों क्योंकि जो भी पार्टी मान आपके इलेक्शंस होते हैं जो भी पार्टी जीतती है तो वही पार्टी जो है वो जीत के बेसिस पर लेजिटिमेट बनती है एक सिस्टम चलता है ना उसके बेसिस पर ये लेजिटिमेट बनती है और फिर वो गवर्नमेंट हमें गवर्न करती है तो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम जितने भी होते हैं चाहे केस हो चाहे ना हो जो अनपॉपुलर रिजीम्स हैं उन वो इसलिए सर्वाइव कर पाई हैं बिकॉज वो उनके कुछ भी जो छोटे छोटे इन्फ्लुन्शल लीड हो गए उनके द्वारा वो लेजिटिमेट कंसिडर की जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये भी समझते हो इसको आप पंचायत के लेवल पर भी समझते हो अगर विलेज के लेवल, लेवल पर तो एक पंचायत फॉर्म हो जाती है अब वो पंचायत लेजिटिमेट मानते हैं उसको लेजिटिमेसी अटैच्ड है उसके साथ इसी वजह से वहाँ के जो लोकल पीपल है उनकी बात मान जाते हैं अदरवाइज़ ऐसे तो कोई भी पर्सन आएगा वो बोलेगा कि भैया मेरी बात आपको माननी तो वो चीज़ आ, हो नहीं सकती है अब एटीमोलॉजिकली अगर देखा जाए लेजटमेसी का क्या मतलब है लैटिन वर्ड से आई है ये लेजटमस से जिसका मतलब होता है लॉफुल मीडियबल एजेस के टाइम पर भी इसका मतलब होता था कॉन्स्टिट्यूशनल रोल या ऑर्डर या फिर एंशंट uh, कस्टम से कन्फर्म करना है ट्रेडिशन हो गए प्रोसीजर्स हो गए ट्रेडिशन प्रोसीजर्स कस्टम का एक्सेप्टेंस भी इसको कहा जाता था लेजट लेजटमेसी अब अलग अलग परस्पेक्टिव हैं लेजटमेसी पर वो बताए गए हैं यहाँ पर अब यहाँ पर अलग अलग जैसे थिंकर्स हो गए या अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं तो उसके बारे में पर्स्पेक्टिव उस रिगार्डिंग में यहाँ पर दिया हुआ है लेजिटिमेसी के तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेजिटिमेसी का इंट्रोडक्शन आप देते हो उसके बाद आपको थोड़े से अलग अलग अगर थिंकर्स के आप परस्पेक्टिव इंक्लूड करोगे उसमें तो अच्छा होगा दो तीन भी कर दोगे तो भी ठीक चल जाएगा काम ठीक है तो सबसे पहले आपको ये देखना कि चाइनीज़ पॉलिटिकल फ़िलोसफी में जो हिस्टोरिकल पीरियड था ज़ू डायनेस्टी का उसके टाइम से ये चलता आ रहा है एक मैंडेट ऑफ़ हेवन हुआ करता था मैंडेट ऑफ हेवन बेसिकली क्या है कि एक चाइनीज़ पॉलिटिकल फिलोसफी है जो कि एंशंट इंपीरियल चाइना में यूज़ होती थी और ये बेसिकली किस लिए यूज़ होती थी कि कोई भी किंग होता था उन लोगों के यहाँ का या फिर कोई एम्प्रर होता था चाइना का उसके रूल को लेजिटिमाइज़ करने के लिए वो चीज़ यूज़ होती थी मैंडेट ऑफ हेवन तो इस डॉक्ट्रीन के हिसाब से हेवन का मतलब होता था कि मतलब एक नेचुरल ऑर्डर जो एम्बॉडी करता था और विल ऑफ द यूनिवर्स से इसको रिलेट करते थे ठीक है कि एक रूलर जो है वो वहीं से बन के आता है वो वहीं से उसको एक पावर ग्रांट होती है तो राइट टू रूल जो है वो हेवन से ग्रांट होता है ये लोग ये मानते थे तो ये सब चीज़ें जितनी भी यूज होती हैं जो भी रूलर करता है तो वो रूलर के वर्च्यू पर बेस्ड होती है कि जब भी वो रूलर जस्टली रूल करता है या फेयरली या वाइजली रूल करता है तो वो सब चीज़ें उसके वर्च्यू पर बेस्ड होती हैं तो राइट टू रूल जो है वो किसी भी डायनेस्टी से लिमिटेड नहीं होता था और रिबेलियन को भी ये जस्टिफाई करता था एज लॉन्ग एज रिबेलियन सक्सेसफुल होता था तो ये जस्टिफाई करता था तो मैंडेट ऑफ हेवन बेसिकली ये चीज़ होती थी अब यहाँ पर क्या बात की गई है लेजिटिमेसी की कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कोई भी रूलर की होती थी या फिर किसी भी गवर्नमेंट की होती थी चाइनीज़ पॉलिटिकल फिलासफी के हिसाब से वो मैंडेट ऑफ हेवन से ड्राइव हो रही है और जितने भी अनजस्ट रूलर्स थे जो हार गए थे वो ये कहते थे कि मैंडेट जो है इस वजह से अपना राइट लूज़ कर चुका है कि लोगों को रूल करने के लिए अब मॉरल फिलोसफी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है में सी उसको इस तरीके से देखा जाता है कि गवर्न्ड जो लोग होते हैं मतलब जैसे हम जैसे लोग हो गए जिनको बाकी के लोग गवर्न कर रहे हैं अभी है ना ये हमारे ऊपर एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बैठा हुआ है ना तो जितने भी हम जैसे लोग हैं वो हम लोग बेसिकली uh, क्या है कि जितने भी हमारे गवर्निंग इंस्टीट्यूशन्स हो गए ऑफिसिज़ हैं एक्शंस हैं उनको कुछ तो हम लोग पावर देते हैं ना उनको लेजिटमे ठहराते है हैं तो हमारा जो बिलीव होता है गवर्नमेंट एक्शंस पर कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को ठीक तरीके से यूज़ करेगी अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ़ पावर होगी एक लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट एबसेंस ये है ना तो वो जो मॉरल फिलॉसफी है उसके साथ ये टर्म लेजिटिमेसी को अटैच किया जाता है अब uh, एक थिंकर और हैं डस्टेनबर्गर वो ये कहते हैं कि लेजिटिमेसी जो है वो किसी भी गवर्नमेंट पावर का फाउंडेशन बनाती है तो ये दोनों तरीके से काम करती है कौन से दो तरीके से कि एक तो गवर्नमेंट के पार्ट पे कॉन्शियसनेस होना चाहिए तो उस चीज़ पे भी लेजिटिमेसी काम करती है कि भैया हाँ हमें लोगों ने इलेक्ट करके अभी लेके के आया तो कुछ तो लेजिटिमेसी अटैच है हमारे साथ तो एक तो गवर्नमेंट के पार्ट पे ये कॉन्शियसनेस हो गई कि हमारे पास एक राइट right है गवर्न करने का और हम जैसे लोग जो हम गवर्नड लोग हैं हमारे द्वारा एक एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है उनको कि इस गवर्नमेंट का राइट right है हमें गवर्न करने का तो ये दोनों चीज़ें एक तो आ जाती हैं तो बहुत चीज़ें यहाँ पर हो गई अब एक और थिंकर है एजियोनी इनको ये इनके हिसाब से लेजिटिमेसी क्या एक सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेशन में से डिराइव होता है जो कि द एबिलिटी टू जस्टिफाई इन्होंने कहा है तो लेजिटिमेसी क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ मुझे इन लोगों ने लेके आया है इस वजह से मेरी गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन uh, में पार्टिसिपेशन के बाद जो एक सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है ठीक है उस चीज़ से यहाँ पर कहा गया है एरजीओनी ने इसको रिलेट किया लेजिटिमेसी को कि एबिलिटी टू जस्टिफाई तो एक बिलीफ है कि जो स्ट्रक्चर है प्रोसीजर्स हैं एक्ट डिसीजन हो गए ऑफिशियल्स हैं लीडर्स हैं जितने भी गवर्नमेंट के उनके पास ये क्वालिटी है राइटनेस प्रॉपर्टी की और मॉरल गुडनेस की क्वालिटी है तो उनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए इ ऑफ़ के कौन से कॉन्टेंट्स हैं उस पर्टिकुलर एक्ट के ऑर्डर्स के कम्युनिकेशन के कर क्या रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बिकॉज वो लोग अभी एक राइट right पोजेस कर रहे हैं ठीक है थेके? उनकी एक मॉरल गुडनेस अटैच्ड है उसके साथ तो ये चीज़ है अब अमेरिकन पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं एक सेमोर मार्टिन लिपसेट इन्होंने कहा है कि लेजिटिमेसी Uh, इनके शब्दों में अगर uh, बात की जाए कि इट इन्वॉल्वस द कैपेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम टू एंजेंडर एंड मेंटेन द बिलीफ दैट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर वंस फॉर द सोसाइटी सिंपल है वही सेम चीज़ सबने बोली हुई है कि लेजटे uh, क्या है कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं उनका ये उनकी कैपेसिटी है और ये बिलीफ उन उस इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अटैच्ड है कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं और सोसाइटी के लिए भी बिल्कुल ठीक है ठीक है अब वही सेम चीज़ इसको आप यहाँ से अटैच कर सकते हो जो हमारे डॉल्स टनबर्गर की थिंकिंग है उससे आप अटैच कर सकते हो यहाँ पर भी सेम चीज़ ही बात की गई है अब नेक्स्ट है रॉबर्ट डाल अच्छा आ, देखो रॉबर्ट डाल के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना ज़रूरी है आ, जो हमारा पेड कोर्स है उसमें थोड़े थोड़ा हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी है बट यहाँ पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोर्स अच्छा है फ्री कोर्स भी बहुत अच्छा है जो भी आपके फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इक्वली गुड बट पेड लेक्चर्स में क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो एडवांस लेक्चर्स हैं क्योंकि ठीक है तो उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबर्ट डाल है तो रॉबर्ट डाल के थोड़े से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं इसमें अगर आप ये खुद से पढ़ रहे हो डेस्टिमेसी पार्ट तो रॉबर्ट डाल के बारे में पढ़ के जाना मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ के जाना ये दो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं इनफैक्ट मैक्स वेबर के बारे में पढ़ जाना ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो आपको ज़रूरी पढ़ के जाने हैं अब यहाँ पर ये तो ये लोग तो आप लिख ही आना जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट डाल उन्होंने लेजिटिमेसी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया एक रिजर्व की तरह कि जब तक पानी जो है गिवन लेवल पे चलता आ रहा है तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है जैसे ही पानी एक लेवल से नीचे चला जाता है तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो खतरे में आ जाती है तो सिंपल बात यहाँ पर कर कर रखी है तो लेजिटिमेसी अगर बनाना है आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखनी है ठीक है अब मॉन्टेस््यू का वर्क था द स्पिरिट ऑफ लॉज इस पर एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है मॉन्टेसक्यू uh, का हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे बट मॉन्टेसक्यू uh, के ऊपर स्पिरिट ऑफ लॉज पर ही उनकी एक लाइन uh, है उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था वो हम आगे पढ़ेंगे बट मॉन्टेस्यू का जो ये वर्क है इसमें ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ रेजिटिसी के बारे में बात की गई है तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है इसमें क्या है जितनी भी इंडिविजुअलिस्ट फ्री विल की जो आर्बिट्रेरिनेस है उसको कर्टेल करने की बात की गई है कि भैया आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते तो एक अथॉरिटी का जो एक्सरसाइज है उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में रख के यहाँ पर बात की गई है मॉन्टेस ने रूसो का जो स्कीम है लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट की ठीक है उसमें ये कहा गया है कि जो लेजिटिमेसी होती है किसी भी गवर्नमेंट की या फिर कोई भी गवर्नमेंट जब अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है तो वो क्यों करती है क्योंकि उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सिटीजन्स का वो भी इन्वॉल्व होता है तो ये जो ऑल्टरनेटिव थिंकिंग है लेजिटिमेसी की इसका इंपॉर्टेंस किस तरीके से देखी जाती है जो सेल्फ है हम लोग जो पब्लिक कमिटमेंट है कलेक्टिव गोल्स हैं उनका एक कनेक्शन होता है ठीक है कोई भी रिपब्लिकन पॉलिटी के सर्वाइवल में उन सब का एक कनेक्शन माना जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर ऑल्टरनेटिव थिंकिंग टू लेजिटिमेसी यहाँ पर उसकी इम्पॉर्टेंस प्लेस की गई है इन रूसोर्स वर्क अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटी ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अभी हमने ये पढ़ा है कि लेजिटिमेसी होती क्या है अब ये जो टॉपिक है लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़ ये किस टॉपिक का आंसर है आप ये देख सकते हो जो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो ठीक है यही वाला क्वेश्चन एग्जामिन द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़ ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एग्जैक्टली exactly यहाँ पर यही आंसर दिया हुआ है तो आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चनस रिपीट होते हैं टॉपिक्स रिपीट होते हैं क्वेश्चनस रिपीट होते हैं लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़ तो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं वो तो कर ही जाना उसमें तो छोड़ के जाने का कोई मतलब बनता नहीं है अब आपको करना क्या है बेसिकली अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो इसी को जो अभी पढ़ाया हुआ है इसी को आप लिख कर देखो बार बार लिखो ताकि आपको ये टॉपिक याद हो जाए इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़रूरी है लेजिटिमेसी मेसी पर कोई भी क्वेश्चन आता है पहले बताओगे तो सही ना कि लेजिटमेसी होता क्या है तो इंट्रोडक्शन तो आप दोगे ही सबसे पहले फिर आप कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दोगे लेजिटमेसी पे तो कुछ थिंकर्स आप ऐड करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा उसके बाद आपका जो भी टॉपिक पूछा है चाहे वो लेजिटमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज पूछा है टूल्स ऑफ लेस्टिमेशन ऑफ द स्टेट पूछा है क्राइसिस ऑफ लेस्टिमेसी पूछा है लेस्टिमेसी uh, हैजिमनी के कंसेप्ट में डिफरेंस पूछा है तो कुछ भी पूछा है उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन थिंकर्स का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वो डालना ज़रूरी है उसे आपका कंटेंट थोड़ा सा एनरिच हो जाता है बट फोकस करना कि पहले ये देखना कि पूछा क्या है उस पर ज़्यादा फोकस रखना और राइट डेफिनेशन में आप सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले क्या दोगे डेफिनेशन ये मैंने आपको हमेशा बताया डेफिनेशन दोगे उसका बैकग्राउंड दे सकते हो आप उसमें उसके बाद कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप उसमें दो आपका आंसर एनरिच करने के लिए उसके बाद आप उसमें जो भी आपका पूछा गया है कंटेंट जो भी पूछा गया है वो आप दोगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या पूछा है ठीक है अब उस कन्सेप्ट के आप कुछ अगर अजम्पन्स आपके पूछे गए हैं या आप दे सकते हो कुछ एजम्पन्स उसमें इन्वॉल्व है अजम्पन्स की अगर नीड है उस क्वेश्चन में तब आप अजम्पन्स दोगे अदरवाइज़ आप उसका क्रिटिसिज्म दोगे या फिर लिमिटेशंस हो गई जो भी कुछ पूछा हुआ है कई क्वेश्चंस में सीधा पूछता है लिमिटेशंस क्या है ठीक है उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर दोगे ऑल राइट तो ये आपका पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो अब या तो आप ये स्ट्रक्चर खुद बनाते हो या तो हम लोग आपको बना के दे देते हैं तो कोचिंग का काम यही होता है कि जो भी कुछ बिखरा पड़ा है उसको सारा एक जगह आपको समेट के दे दे पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से बना के दे दे वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर की हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से और यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं विथ स्ट्रक्चर कवर किए गए हैं ताकि आपको बस ये चीज़ लिख लिख के अब प्रैक्टिस करनी है रिवाइज करनी है बार बार और हो जाएगा ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर